जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड 2022 में इंटरमीडिएट पास यानी कि 12वीं पास छात्रों का आगे यूजी कोर्सेज में यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, बीसीए इत्यादि में एडमिशन झारखंड के चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा और इसके लिए कल से झारखंड का चांसलर पोर्टल खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, खुल सकता है। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आज के दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें हेडलाइन दिया गया है कि कल से खुल सकता है चांसलर पोर्टल और नीचे दिया गया रांची, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में स्नातक में नामांकन के लिए 12वीं पास विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सिर्फ रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में नहीं, बल्कि झारखंड के 2400 जिलों में स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग, विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के कॉलेजों में भी यूजी कोर्सेज में यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि में एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल को कल से खोला जा सकता है। इसके बाद आगे इसमें दिया गया कि सोमवार से चांसलर पोर्टल खोला जा सकता है। सोमवार कल है यानी कि कल से इस चांसलर पोर्टल को खोला जा सकता है। इसके बाद आगे दिया गया है कि इस सत्र में नामांकन नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूजी कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है और उसी के अनुसार पढ़ाई होगा, जहां पर आप लोग अपने च्वाइस के अनुसार सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के साथ साथ में आप लोग आर्ट्स का पेपर भी रख सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि भी सब्सिडरी में रख करके पढ़ सकते हैं। इस बार आपसी छात्रों को सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। आगे इसमें दिया गया कि इस कारण पोर्टल शुरू होने में समस्या हो रही है। आगे इसमें दिया गया कि चांसलर पोर्टल खुलने के साथ ही नामांकन के लिए आवेदन देने का फॉर्मेट पूरी तरह बदल जाएगा, यानी कि आपसी छात्रों का पहले जो चांसलर पोर्टल का फॉर्मेट होता था तो वैसा नहीं रहेगा, बल्कि इस बार बदला रहेगा नई शिक्षा नीति के कारण। इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पोर्टल की मैपिंग की गई है और इसमें अलग अलग विषयों में विद्यार्थियों को अलग अलग विकल्प दिया जाएगा, यानी कि आप सभी छात्र अगर साइंस का है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट को भी लेकर के पढ़ सकते हैं, अगर आर्ट्स का है तो साइंस का सब्जेक्ट को लेकर के भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें दिया गया है कि इससे संबंधित निर्देश भी पोर्टल पर दिया जाएगा, यानी कि ये जो चांसलर पोर्टल है इसके पोर्टल में निर्देश दिया जाएगा कि आप लोगों को किस ढंग से फॉर्म को अप्लाई करना है, उसको पूरे अच्छे ढंग से पढ़ लेना है निर्देश को। इसके बाद आप सभी छात्रों को इसमें अप्लाई करना होगा कल। तो दोस्तों, इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट पास छात्रों के साथ साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से भी 12वीं पास छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपडेट था कि कल से आपके यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल को खोला जा सकता है। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, या फिर वीवीआई प्रश्नों का उत्तर होता है, मॉडल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन होता है, या फिर किसी तरह का कोई भी गाइडलाइंस होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, जय झारखंड, जोहार झारखंड।